वेलकम बैक बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ हम पढ़ने वाले हैं किसकी? नियरेस्ट टेन की। ठीक है, तो नियरेस्ट टेन की हम राउंडिंग ऑफ कैसे निकालते हैं तो आपको इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले कि मैंने कोई एग्जाम्पल ली 46। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक रूल याद रखना है। जब भी आपका जो वंस वाला नंबर है वो फाइव से बड़ा होगा, जब भी आपका वंस वाला नंबर जो है वो फाइव से बड़ा होगा, तो आपका जो टेन्स वाला नंबर है उसमें आपने वन ऐड कर देना है, तो वो उस नंबर की राउंडिंग ऑफ होगी, नियरेस्ट टेन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब भी आपको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेन निकालनी है तो आपको क्या याद रखना है कि जो आपका वंस वाला नंबर है वो फाइव होना चाहिए या फाइव से बड़ा होना चाहिए। अगर वो फाइव है तब भी आपने वो टेन्स वाले नंबर में वन ऐड करना है, अगर वो फाइव से बड़ा है तब भी आपने टेन्स वाले नंबर में वन ऐड करना है बच्चों। ठीक है, अगर वंस वाला नंबर जो है वो फाइव से छोटा है तो आपने तब टेन्स वाले नंबर में कोई कुछ भी ऐड नहीं करना है। जैसा आपका टेन्स वाला नंबर होगा वैसे ही आपने उसको नीचे लिखना है। तो लेकिन बच्चों अब यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो वंस वाला नंबर है वो सिक्स है जो कि फाइव से बड़ा है, तो आपका जो टेन्स वाला नंबर है उसमें क्या हो जाएगा, वन ऐड हो जाएगा। 4 + 1 कितना होता है बच्चों? 5 होता है, और जो 6 है उसको आपने 0 लिख देना है। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ आएगी 46 की नियरेस्ट 10 वो आ जाएगी 50। इसी पार्ट को अगर आप नंबर लाइन पे करते तो वो क्या आता है बच्चों? तो अगर आप इसी पार्ट को नंबर लाइन पे करेंगे तो आपने क्या करना है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है नंबर? 40 से शुरू हो रहा है ना, 46 मतलब 40 से शुरू हो रहा है, तो फिर 40 से शुरू करना है और कहाँ तक लेना है आपको, 50 तक लेना है। तो 40 और 50 के बीच कौन सा नंबर आता है बच्चों? वो आता है 45। कौन सा आता है? 45 आता है, इनके बीच में नंबर, बीच वाला मिडल नंबर। तो हमने देखना है कि ये जो 46 है ये 45 से बड़ा है या 45 से छोटा है। तो अगर हम देखें ये 46 जो है ये 45 से बड़ा है, तो बच्चों ये किस साइड आ रहा है? ये 50 के साइड आ रहा है। किस साइड आ रहा है? 50 के साइड आ रहा है ना। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी वो होगी 50। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 97 बच्चों, ठीक है। अब यहां पर आपको वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 7 है। टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? 9 है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको बच्चों, आपने किसको चेक करना है? वंस वाले नंबर को चेक करना है कि वो फाइव से ग्रेटर है या फाइव से स्मॉलर है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें जो वंस वाला नंबर है वो 7 है जो कि फाइव से बड़ा है। तो अगर ये फाइव से बड़ा है तो हमने क्या करना है, जो टेंस वाला नंबर है उसमें हमने वन ऐड कर देना है। तो 9 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा, और ये 7 जो है वो भी 0 हो जाएगा। तो 97 की जो राउंडिंग ऑफ होगी वो क्या होगी? वो 100 होगी। और इसी पार्ट को आप नंबर लाइन पे करते तो वो कैसा आता? देखिए बच्चों कैसे आता। तो आपने क्या करना है, कहां से शुरू करना है? 97 तो 90, आपने 90 से चेक करना है कहां तक? 100 तक। तो 90 और 100 के बीच मिडल वाला नंबर कौन सा होता है? 95 होता है ना। तो अब मुझे बताइए कि ये 97 जो है ये 95 से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा है, तो आपके बोलोगे 97 क्या है, वो तो बड़ा है। तो ये कहाँ आएगा 97? यहाँ यहाँ कहीं आएगा जो कि 100 के साइड आ रहा है ना, 100 के साइड। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी वो 100 होगी बच्चों। क्या होगी? 100 होगी। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मैंने लिया बच्चों 54। अब यहाँ पे आपको वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? वो है 4। और टेंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है? वो है 5। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जब भी आपका वंस वाला नंबर जो है वो 5 से बड़ा है तो आपका जो टेंस वाला नंबर है उसमें आपने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपका जो वंस वाला नंबर है वो 5 से छोटा है तो आपका जो टेंस वाला नंबर है उसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना है, वो जैसा है मतलब टेंस वाला नंबर जैसा है उसको आपने वैसे ही नीचे लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो वंस वाला नंबर है वो 4 है, तो आपका जो टेंस वाला नंबर है उसको आपने कुछ नहीं करना है, जैसा वो नंबर है वैसे ही आपको उसको नीचे लिखना है और 4 को आपने 0 बना देना है बच्चों। तो ठीक है, इसी पार्ट को अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो वहां से क्या आएगा बच्चों? तो यहाँ पे कहां से आपने शुरू करना है? 50, कहा 54 मतलब 50 से आपने शुरू करना है,
कहां तक, 60 तक। 50 और 60 के बीच कौन सा नंबर आता है बच्चों, वो आता है 55। तो आपने देखना है कि ये जो 54 है, ये जो 54 है, ये 55 से छोटा है या बड़ा है। तो आप कहेंगे बच्चों ये तो, तो आप कहेंगे कि ये सर ये तो 54 जो है वो तो 55 से छोटा है। तो ये वो 54 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता कहीं ना। तो 55 से छोटा है मतलब ये किसके नजदीक है, ये 50 के नजदीक है। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी 54 की वो 50 होगी बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल ली बच्चों 283, मैंने ली एग्जांपल 283। तो हम किसकी राउंडिंग ऑफ पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं नियरेस्ट 10 की। तो हमें किस किस नंबर को चेक करना होता है, हमें सिर्फ वंस और टेंस को चेक करना होता है, हमें 100 को चेक करना नहीं होता है। तो हमें सिर्फ वंस और टेंस को देखना है यहाँ पे। तो फिर से हमें यहाँ पे वंस वाले नंबर को चेक करना है बच्चों कि वंस वाला नंबर जो है वो 5 से ग्रेटर है या 5 से स्मॉलर है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे वंस वाला नंबर जो है वो 5 से स्मॉलर है, तो आपका जो टेंस वाला नंबर है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा ही हम इसको नीचे लिखेंगे बच्चों। और आपका जो 3 है उसको हमने 0 पे लिख देना है, और आपका जो 2 है इसके साथ हमें कोई वास्ता नहीं है, जैसा ये था 2 इसको ऐसे ही नीचे लिख लो। और इसी चीज को आप नंबर लाइन पे करते तो वो कैसे आता, नंबर लाइन पे आपको कहां से कहां तक जाना है, 280 से आपको जाना है, मतलब 280 से आपको कहां तक जाना है, 290 तक आपको जाना है बच्चों। तो 280 और 290 के बीच कौन सा नंबर आता है, मिडल नंबर कौन सा होता है इनमें, वो होता है 285। अब बच्चों मुझे बताइए कि 283 जो है वो कहाँ आएगा, 285 के बाद आएगा कि 285 से पहले आएगा। तो आप कहेंगे कि सर 283 तो 285 से पहले आता है, मतलब कि वो कहाँ पे आता है, वो आता है यहाँ पर, वो आता 283 जो है वो कहाँ पे आता है, वो आता है यहाँ पे आता है। तो किसके नजदीक आ रहा है, ये आ रहा है 280 के नजदीक आ रहा है। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी बच्चों वो होगी 280। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा पक्का हो जाए, क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब मैंने एक और एग्जांपल ली है 392। तो हमें यहाँ पे फिर से किसकी राउंडिंग ऑफ निकालनी है, नियरेस्ट 10 की निकालनी है ना। तो हम किस नंबर को चेक करते हैं, नियरेस्ट 10 जब हमें निकालनी होती है राउंडिंग ऑफ, हम किन दो नंबर्स को चेक करते हैं, हम करते हैं वंस वाले नंबर को और टेंस वाले नंबर को। अगर हमारा वंस वाला नंबर जो है वो अगर वो 5 से ग्रेटर होता है तो हम, अगर वो 5 है या 5 से ग्रेटर होता है तो हम टेंस, जो टेंस वाला नंबर है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। अगर वंस वाला नंबर जो है वो 5 से छोटा होता है तो हम टेंस वाले नंबर में कोई भी कुछ भी ऐड नहीं करते, वो टेंस वाला नंबर जैसा होता है उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं। तो दोस्तों तो बच्चों यहाँ पर जो वंस की प्लेस पे जो नंबर है वो 2 है जो कि 5 से छोटा है। तो आपका जो टेंस वाला नंबर है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, उसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, वो जैसा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 9 का 9 ही आएगा। और 2 पे जो नंबर है उसको हम 0 बना देंगे, और 3 कहाँ, ये 100 पर है तो हमें 100 वाले नंबर के साथ कुछ नहीं करना है, ये 100 वाला नंबर जैसा है इसको हम वैसे ही लिखेंगे। इसी पार्ट को अगर आप नंबर लाइन पे करते तो वो कैसे करते हैं बच्चों, आपको एक नंबर लाइन देनी है और आपको कहां से कहां तक देना है, 390 से लेके आपको चेक करना है कहां तक, 390 से लेके 400 तक। तो 390 और 400 के बीच कौन सा नंबर आता है, इनका मिडल नंबर कौन सा होता है, वो होता है 395। तो 395 आता है ना बिट मिडल नंबर इनका। तो हमें कौन सा नंबर चेक करना है, हमें करना है 392। ये कहाँ पे आता है, तो 392 जो है बच्चों वो यहाँ आएगा कहीं, यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये किसके नजदीक है, 392 यहाँ पे किसके नजदीक है बच्चों, ये है 390 के नजदीक है। तो इसकी जो राउंडिंग ऑफ होगी वो होगी 390। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, आपको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 की, जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप अपने जल्दी से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।